दोस्तों इंसान अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है, उसके साथ अपने सपने देखता है, उसके उसके लिए हर संभव जितने भी हो सकता है उसकी हेल्प करता है, उसके लिए जो भी यातनाएं सहनी पड़ती हैं सारी सहता है और अपने सपने संजोता है। देखता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के IAS बनेगा, IPS बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। और जब बेटा बड़ा हो जाए और वो किसी एक्सीडेंट में या किसी तरह से किसी बुरी एक्टिविटी के द्वारा मारा जाए तो उस बाप के ऊपर क्या बीतती है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दोस्तों ऐसी ही एक कहानी बता रहा हूं, ऐसी कहानी नहीं है, रियलिटी में बता रहा हूं कि विके प्रैंक्स के साथ भी ऐसा ही हुआ। विके प्रैंक्स एक यूट्यूबर है और एक यूट्यूबर अपने चैनल को अपना बेटा मान करके उसके साथ बिल्कुल जीरो से जुड़ता है और बिल्कुल हाई लेवल पर ले जाने के लिए कोशिश करता है। उसके साथ हो सकता है जितनी मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, और बाद में जब पता चला कि उसका चैनल हैक हो गया तो वो बेटे के मरने के जैसा दुख होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, वीके मैं बताता हूं कि पूरी कहानी क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं आपको वीके प्रैंक्स की पूरी स्टोरी क्या है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रूरल फाइट, मैं हूं सोमदैया। तो दोस्तों आज मैं बता रहा हूं वीके प्रैंक्स, वीके प्रैंक्स के साथ क्या हुआ। तो वीके प्रैंक्स हरियाणा का एक ऐसा चैनल था जो कि प्रैंक के ऊपर काम करता था और बहुत अच्छा काम करते थे। प्रैंक्स होते क्या है, प्रैंक्स होते हैं किसी के साथ हम मस्ती करते हैं, किसी के साथ फन करते हैं, वो सारे हमारे होते हैं प्रैंक्स, ठीक है। तो ऐसा ही वीके प्रैंक्स के नाम से एक चैनल था, वो किसी गलत एक्टिविटी के कारण 2 दिन पहले ही हैक हो गया। किसी रशियन यूट्यूबर ने या रशियन हैकर ने उसको हैक कर लिया और अब उस चैनल को अमेरिका की किसी संस्था को उसने बेच दिया है। अब उसके चैनल से सारे के सारे वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये जो वीके प्रैंक्स के साथ हुआ है ये एक बेटा मरने के बराबर का दुख है, उसके जैसा ही दुख होता है। एक यूट्यूबर अपने चैनल के साथ ऐसे ही सपने संजोता है जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ सपने संजोता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के ये बनेगा। तो दोस्तों एक्चुअल में हुआ कैसे, वीके प्रैंक्स के साथ, वीके प्रैंक्स के पास एक स्पॉन्सरशिप का ऑफर आया था, उसने स्पॉन्सरशिप के लिए डील कर ली। और जैसे इसने डील की तो डीलर ने उनको एक ऐप कहा कि ये ऐप आपको डाउनलोड करनी है। तो उसने उनकी बातों को विश्वास करते हुए, उसकी बातों पर विश्वास करते हुए भी उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया। और इंस्टॉल करने के बाद वो ऐप चली नहीं, तो वीके प्रैंक्स ने सोचा छोड़ो कोई बात नहीं, चल नहीं रही है। तो जब अगले दिन देखा तो वो ऐप बैकग्राउंड में काम कर रही थी, बैकग्राउंड में मतलब पीछे से काम कर रही थी, वो दिख नहीं रही थी कि काम कर रही है लेकिन वो काम कर रही थी। उसने उसका सारा डेटा चोरी कर लिया, जैसे उसने पासवर्ड वगैरह सारी चीज डाली तो वो सारे उसके चोरी हो गए। और वीके प्रैंक्स का अगले दिन जब सुबह उठा तो उसका चैनल हैक हो चुका था, उसके नाम का कोई चैनल ही नहीं था। तो दोस्तों अब आपको करना क्या, ये तो हो गया वीके प्रैंक्स की कहानी। और वीके प्रैंक्स का बहुत ही बुरा हाल है, रो रो कर बहुत बुरा हाल है। बहुत सारे इंडिया लेवल के जो यूट्यूबर हैं, बहुत हरियाणा के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो उनको सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि एक सांत्वना देने के लिए आप भी कुछ करो, ऐसे किसी के साथ खड़ा होकर किसी को कहकर के हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे ही सांत्वना नहीं होती और ऐसे साथ नहीं दिया जाता। साथ देना है तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए क्या करना है, आपको ट्वीट करना है, ट्विटर पे जाना है और टीम यूट्यूब को आप ट्वीट करना है, उसमें हैशटैग लगाना है रिकवर वीके प्रैंक्स। तो इस हैशटैग को आप जितना ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कर सकते हो उतने ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करो, ताकि जो यूट्यूब की जो टीम है वो जो सो रही है उसकी आंखें खुल जाए कि वीके प्रैंक्स का चैनल देना इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए, ताकि वो चैनल वापिस आ जाए। तो दोस्तों यदि आप रियल में हेल्प करना चाहते हो तो थोड़ी सी हेल्प कर दो, आपकी हेल्प से किसी का यदि कुछ बनता है तो मैं मानता हूं कि आप एक भाग्यशाली व्यक्ति है। सो ये तो थी वीके प्रैंक्स की कहानी। अब मैं बता देता हूं यदि आप यूट्यूबर हैं तो आप इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए करना क्या है। तो दोस्तों यदि आप यूट्यूबर हैं तो सबसे पहली सलाह, तो आप जिस फोन में, जिस सिस्टम में आप यूट्यूब चलाते हैं उस फोन या सिस्टम को आप सेपरेट रखें। उसके अंदर अननेसेसरी लिंक्स जितने भी होते हैं, अननेसेसरी एप्स हैं, वो सारी नहीं रखनी है, उनके ऊपर क्लिक नहीं करना है।
यदि आप मैम एक एक बात और है, ये कुछ यूट्यूबर्स हमारे नए हैं, वो अभी उनकी स्टार्टिंग है तो उनके पास इतना ज़्यादा मनी एक्सेस नहीं है कि वो सारी चीज़ें सेपरेट रख लें, उनके पास एक ही फ़ोन होता है, तो उसमें ये करना है कि उसको आपको अननेसेसरी एक्टिविटीज से बचना है, कहीं भी आपको अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना है और व्हाट्सएप वगैरह पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहता कि आपकी चोरी होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सोशल साइट्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपका अपना पासवर्ड एक बार डालना है और कहीं पे भी शेयर नहीं करना और अननेसेसरी लिंक्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करने हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक पेटीएम का लिंक आया था कि पेटीएम हर व्हाट्सएप पे आ रहे थे, मेरे पास भी 50 लोगों ने भेजा होगा कि पेटीएम दे रहा है 500 रुपये, इस लिंक को शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। किसी को, मेरे को एक सिंगल बंदा नहीं मिला कि जिसको 500 रुपये मिले हों। तो ऐसे अननेसेसरी लिंक्स आते हैं, उनके ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है आप, और ना ही उनको शेयर करने की ज़रूरत है। तो ये थी मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन और एक रिक्वेस्ट कि ये ट्वीट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।